हेलो फ्रेंड्स, हमें अपने गार्डन में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए। इससे एक तो आपका गार्डन अट्रैक्टिव दिखेगा और साथ ही साथ आपको भी कुछ अच्छा सा फील होगा, लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी आज की वीडियो टोपियारी पर है। मैंने मनी प्लांट की टोपियारी बनाई। मनी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत और सबसे बड़ी बात है कि इजिली अवेलेबल होने वाला प्लांट है। इसका आप जितना स्टेम चाहो इजिली आपको मिल जाएगा। और मुझे ये टोपियारी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वो क्या आई मैं इस वीडियो में मैंशन करती जाऊँगी। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ के लिए मुझे टोपियारी की ज़रूरत है वो प्लांट रेडी है। प्लांट है मनी प्लांट और ये सारे मैंने आज लिए हैं। इसको ये मैं रोड साइड से उठाई हूँ, वहाँ एक पेड़ के ऊपर, एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर लिपटा हुआ था तो बहुत ज़्यादा डस्ट था, तो इसको पूरा पहले मैं धोई हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद इसको लाए रखी हूँ यहाँ पर। पूरा डस्ट से अभी भी कुछ कुछ डस्ट तो दिख ही रहा है। तो ये प्लांट है, इसका टोपियारी बननी है और ये वायर है और इसको कट करूँगी। इसे बहुत पतला होता है, इजली कट हो जाता है। और मैं टोपियारी बनाऊँगी इससे, इस पॉट से। ये पता है क्या फ्रेंड, इसमें पहले मैंने लगाया था सिंगोनियम प्लांट। एक्चुअली ये दूध का पॉट है। हम लोग एक बार गए थे आउट ऑफ स्टेशन तो ये बाहर रह गया था, कबट के बाहर रह गया था। और उसके बाद वापस आई तो देखी कि साफ़ ही था, कबट के बाहर था, पर मुझे कुछ जमा नहीं बात। मुझे डर लगा कि कहीं इसके अंदर चिपकली वगैरह तो नहीं गिर गई होगी। तो फिर इस वजह से मैंने उसको बहुत अच्छे से वॉश किया, फिर स्टरलाइज किया, फिर भी मुझे दिल में तसल्ली नहीं हो रही थी तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। और अभी मैं बहुत दिनों से इसमें लगाई हुई थी सिंगोनिया प्लांट। सिंगोनिया प्लांट मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया, तो अभी भी इसका देखो आपको दिख रहा होगा। तो उसको हटा के अब मैं इसमें टोपियारी की तरह यूज़ करूँगी। तो ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की तरह भी आप इसको समझ लो कि ये एक दूध का पॉट है, इसमें मैं टोपियारी बनाऊँगी। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं आज। तो यहाँ मैंने ये ले लिया और ये तार को मैंने कट कर दिया। देखो अब मैं इसको पूरा अंदर तक जमा दूँगी ताकि ये गिरे नहीं। इससे पहले जो मैं टोपियारी बनाई थी उसके ऊपर वो लपेटी थी, लेकिन इस बार मैं नहीं लपेटूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा है ही, तो फिर क्यों लपेटूंगी। तो चलो इसको लपेटते हैं, इसको जमाते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको इसमें जमा दिया अच्छे से, अब मैं इसको लपेटती जाऊंगी, ठीक है। अब एक एक स्टेम आप कोशिश करें ना कि स्टेम जो आप लेना तो छोटा छोटा लीफ रहने से ना ज़्यादा सही रहता, बट मुझे छोटा लीफ तो नहीं मिला, मुझे तो बड़ा ही मिला, तो मैं बड़ा ही लूँगी। अगर आपके पास छोटा अवेलेबल हो तो छोटा लेने की कोशिश करें, क्योंकि इतने छोटे से पॉट में बड़ा बड़ा लीफ अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और छोटा रहने से बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो पहले मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद मैं इसको लपेटूँगी। देखो ये बड़ा बड़ा लीफ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं देखती हूँ कोई छोटा लीफ होगा तो मैं छोटा ही लगाऊँगी। तो मैं ये मुझे फ्रेश लग रहा तो इसको पहले मैं लपेटती हूँ, बाकी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो जम नहीं रहा है। ये छोटा पसंद था पर मेरे पास छोटा है नहीं इस टाइम पे। अब जो अवेलेबल है उसी को यूज़ करते हैं। इसको पूरा ऐसे लपेटते जाएंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से लपेटेंगे। डर लग रहा है कि स्टेम ना टूट जाए। यहाँ तक आया और कौन सा वो ये ले लेती हूँ। ये नहुल करना पड़ेगा। इसको भी इसी तरह से ऐसे लपेटते जाएंगे। आपके पास जितना अवेलेबल होगा, मनी प्लांट तो इजली अवेलेबल हो जाता है, और सारे दूसरे प्लांट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मनी प्लांट तो बहुत ही मिल जाता है, जितना चाहो उतना मिल जाता है। तो कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे लीफ ले तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो इसको आप लपेटते जाओ जैसे
अपने बातों को लपेटते हो उसी तरह लपेटते जाओ। और ये सारे जो लीफ है इसको भी मैं अभी ऐसे नहीं छोड़ूंगी, इस तरह से इसको भी कुछ डेकोरेटिव्स करना पड़ेगा, इस तरह से तो दिखे अच्छा नहीं दिखेगा। ये एक हो गया, मैं इसको सोच रही हूँ कि काट दो। तो मेरी टोपियारी अभी हाफ डन हुआ है, अभी फुल डन नहीं हुआ है, ये तो लग भी नहीं रहा कि टोपियारी है। अब इसको इस धागे से बांधना स्टार्ट करूँगी तो फिर लगेगा कि हाँ टोपियारी है। ये सारे लीफ को जमा जमा के एक एक साइड पे ऐसे 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 करके मोड़ना होगा तो ही ये अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि इसके लीव्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। मैं इसको इससे बांधना शुरू करती हूँ, सबको सिस्मेटिक ढंग से, और जो जो अंदर दबा पड़ा हुआ है उसे भी हल्के हल्के हाथों से निकाल दे, सो दैट कि ये ख़राब ना हो लीफ। सारे लीफ को हल्के हाथों से जमाना, नहीं तो फिर ये लीफ टूटने लग जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसको मैं ऐसे बांधती हूँ, इसी तरह से आप इसको पूरा लीफ को जमा जमा के बांध देना है। थ्रेड को टाइटली रखना, हाथ को ढीला रखना, नहीं तो फिर लीफ टूटने लग जाएंगे। मैं तो ये टूट ही गया। अभी थोड़ा आप लोग को टोपियारी का लुक आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से थ्रेड से बांधती भी जा रही हूँ, और जो लीफ मुझे सही नहीं लग रहा है उसको बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा लग रहा है तो उसको साथ साथ काटती भी जा रही हूँ मैं। और इसको थ्रेड को ना थोड़ा टाइटली बांधना पड़ेगा, क्योंकि बार बार फिसल भी रहा है। आपको देखने में थोड़ा ईजी लग रहा हो, बट इट्स नॉट सो ईजी, बार बार फिसल रहा है। तो इस तरह से मेरा हाफ वर्क तो डन हो गया, बट अभी बहुत काम बाकी है इसमें। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ जम नहीं रहा है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा मुझे ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो ये बांधने का काम तो हो गया ऑलमोस्ट, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो मेरा थोड़ा काम हो गया है, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं कुछ लीव्स को इसको कट कट कर दूंगी, तो शायद ये सब जो है ये ऊपर ऊपर से जो लीफ है उसको कट कर दे रही हूँ, ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको मैं कट कर दूंगी तो थोड़ा शेप में दिखेगा, नहीं तो ये शेप में नहीं दिखेगा। इस तरह से ऊपर ऊपर से हुआ हुआ है तो शेप में नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स मेरी टोपियारी तो बन गई, पर मुझे कुछ बात जान नहीं रहा था, तो मैं सोच रही हूँ इसके चारों राउंड राउंड ये इस टाइप के लीफ को लगा दूँ, और इस टाइप के लीफ अगर आप स्टैम्प के साथ लगाओगे तो डेफिनेटली ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये भी अपना ग्रोथ करेगा ही सॉल्यूशन में जाके। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको इस तरह से चारों तरफ लपेट दूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। मैंने सुबह में जाके फिर थोड़ा सा और छोटे छोटे लीफ लाके फिर और मैं लगाई, क्योंकि मुझे कुछ जम नहीं रहा था, बात कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा और मैं ढूंढी कहीं पे
तो मुझे मिल गया छोटे छोटे लीव्स, तो मैं थोड़ा सा और यहाँ पे लगा दी हूँ। तो इस तरह से मैं चारों तरफ से ये स्टेम लगा दूंगी ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए, बस लुक अच्छा है इस वजह से। वैसे मेरी टोपियारी तो डन हो गई है। इस तरह से चारों साइड में मैंने इस तरह से लगा दिया है। ये वाला लगाते हैं, ये बड़ा आप बताओ फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे मनी प्लांट के टोपियारी का फाइनल लुक। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर से इसको एक बार ट्राई करना, इसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक तार का जुगाड़ कर लो, बाकी सब तो आपको पास होते ही है, आपको इजली मिल ही जाएगा। मनी प्लांट आपके घर पे ही होता है, और कोई इतना बड़ा पॉट नहीं है तो कोई छोटा पॉट ले लो, वो तो और ज़्यादा क्यूट लगेगा और ज़्यादा प्यारा लगेगा। और बस इसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल आई, वो मुश्किल ये आई कि थ्रेड में जब बांध रही थी मनी प्लांट को तो वो थोड़ा सा स्लिप कर रहा था, थोड़ा स्लिपी हो रहा था, वो शायद इसलिए कि लीफ थोड़ा सा मैं वॉश की थी तो शायद थोड़ा ज़्यादा स्लिपरी हो गया था। तो और कोई परेशानी नहीं हुई, मैं ये टोपियारी 15 मिनट से पहले कंप्लीट की थी, तो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स। और मनी प्लांट तो वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन प्लांट होता है, और ये प्लांट घर में होना ही चाहिए फ्रेंड्स। और इसका जो ये प्लांट जो है ये डेकोरेटिव की तरह घर में सजा हो तो कहना ही क्या है। और फ्रेंड्स आप चाहो तो सॉइल मिक्सचर में नहीं तो इसको पानी में भी इस टोपियारी को बना सकते हो, पानी में भी ये इजली रह जाता है, इजली सर्वाइव कर जाता है। इसकी बड़ी खासियत तो यही है कि ये पानी में भी बहुत अच्छे से रहता है, एकदम फ्रेश रहेगा। तो आपके आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको सॉइल मिक्सचर पर बनाओ या फिर आप चाहो तो इसको वाटर में बनाओ, दोनों में ही खूबसूरत लगता है, दोनों में ही प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो हो गई यहीं पर ख़त्म, अब मुझे दे इजाज़त, कल फिर एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना, आपका कॉमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इससे मैं और अच्छा काम करूँगी और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगी। तो खाना वाला बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखना, बाय।